हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनीज कुकिंग शो। आज मैं आपको ग्रेवी वाली पनीर चिल्ली बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो कि काफी टेस्टी होती है और हम इसे किसी भी रोटी, पराठे, नान, कुलचे किसी के साथ भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए पनीर, कटा हुआ प्याज, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, कटा हुआ हरा मिर्च, अदरक पेस्ट और गार्लिक पेस्ट, और हमें चाहिए सिरका, विनेगर, चिल्ली सॉस, टमेटो सॉस, कॉर्नफ्लावर और नमक। सूखे मसाले में हमें चाहिए ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, गोलकी और तलने के लिए रिफाइंड ऑयल, अजीनोमोटो, हल्दी, और फोरन के लिए हमें चाहिए लंबी कटी हुई हरी मिर्च। फोरन के लिए हमें चाहिए लंबी कटी हरी मिर्च, गार्लिक, जिंजर और ये तेज पत्ता। आइए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसे पानी में घोल लेंगे। देखिए, मैंने अच्छे से कॉर्नफ्लावर घोल लिया है। मैंने इसे ना ज्यादा पतला घोला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा घोला है। और अब हम इसमें सारे पनीर के टुकड़े डालकर इसको सुनहरा करके फ्राई करेंगे। हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें हम 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम एक एक करके पनीर के सारे क्यूब डालकर इसको सुनहरा तल लेंगे। सभी को सुनहरा तल के हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा पनीर क्रिस्पी हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पनीर चिली का ग्रेवी तैयार करेंगे। उसी कढ़ाई में हम अपना ये फोरन का सारा मसाला डालेंगे, तेज पत्ता, जिंजर, गार्लिक और मिर्च डाल के इसको पकाएंगे। इसके पक जाने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और इसको हल्का भूनेंगे ताकि प्याज का मीठापन बरकरार रहे। प्याज भून जाने के बाद हम इसमें अपना गाजर डालेंगे। गाजर के साथ साथ शिमला मिर्च भी डालेंगे और इसको एक से दो मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट जिंजर पेस्ट स्वाद अनुसार नमक 1 से 2 चम्मच और कलर के लिए इसमें 1/2 चम्मच हल्दी। और अब हम इसमें सूखे मसाले भी डाल देंगे। इसमें हम डाल रहे हैं गोलकी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच और हमारा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी हम सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये सारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और हमारे वेजिटेबल्स भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें अपना टमाटर डालेंगे और इस टमाटर को 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अजीनोमोटो डालेंगे, जो कि इसको अच्छा फ्लेवर देगा। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे 2 से 3 चम्मच। सोया सॉस डालने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच विनेगर डालेंगे।
और इसको 30 सेकंड तक पकने देंगे। सारे मसाले पक चुके हैं, अब हम पनीर चिल्ली की ग्रेवी के लिए कॉर्नफ्लोर लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर जो हमारा उस समय 2 चम्मच बचा था, इस कॉर्नफ्लोर में हम थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे। इस बैटर को अच्छी तरह से घोल लेना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। हम इस बैटर को पनीर चिल्ली में डाल करके 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। कॉर्नफ्लोर को पकाना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि उसका कच्चापन हमारे डिश में ना रह जाए। इसके बाद हम इसमें 4 से 5 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे और उसके बाद हम इसमें 4 चम्मच चिली सॉस डाल करके और 30 सेकंड तक पका लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, आप पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी की जरूरत है। मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। 30 सेकंड के बाद हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे और 10 से 20 सेकंड के बाद इसको सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकाल देंगे। ये हमारा पनीर चिल्ली ग्रेवी बनकर तैयार है, अब इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पनीर चिल्ली ग्रेवी बनकर तैयार है। हम इसे हरी मिर्च से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।